बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं नान, और ये नान जो है विदाउट ओवन के बनाएंगे, तवे पे बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे इसका डो बनाना है। सबसे पहले मैंने लिए 2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून मैंने लिए चीनी, बारीक चीनी ली है, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा, 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने तेल लिए, 1/4 टेबलस्पून पहले मिक्स कर लेंगे। एक कप में इसमें दही डाल रहे हैं। इस तरह हाथ की मदद से ऐसे दबाते रहेंगे और चेंज करते रहेंगे। हमारा ये डो है वो तैयार हो चुका है। ऊपर तेल का हाथ में लगा दूंगी ताकि आटा हमारा सख्त ना हो। अभी इसको मैं अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। कपड़ा डालकर ऊपर प्लेट रख देंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे के लिए मैं रख दूंगी, उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे। हमारी जो नान का आटा है बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल नरम अंदर से। अभी हम नान बनाना शुरू करते हैं। अच्छी तरह खुश्क लगा लेंगे। इसको बेल लेंगे। इसको
एक साइड में पानी लगा लूंगी मैं। मैंने गोल किस्म का तवा लिया है, आप कुछ भी फ्राई पैन ले सकते हैं, वो विदाउट नॉन स्टिक होना चाहिए, उस पे भी बना सकते हैं। अभी जो पानी वाली साइड है वो मैं ऊपर डालूंगी इसके ऊपर। इसको पकाएंगे, ऊपर वाली साइड में मैं दही रखा हुआ है, मैं ऊपर दही लगाऊंगी। दही लगाने से थोड़ा नरम बनते हैं। कोई भी शेप आप दे सकते हैं, लंबे बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं। अभी दूसरी साइड से पकाएंगे इसको। ऐसे घुमाते रहना ताकि हमारा जो नान है चारों तरफ पक जाए अच्छी तरह। अभी छुरी की मदद से इसको यहाँ से डाल लेंगे। हमारा नान दोनों तरफ से अच्छी तरह पक चुका है। हमारे नान माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, नरम बने अंदर से, बिल्कुल सॉफ्ट। आप भी बनाएं इसको, ट्राई करें इस रेसिपी को, और इंशाल्लाह मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।